शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो जातीय गणना से संबंधित है, खासकर वैसे शिक्षक बंधुओं से जो जातिगत गणना में प्रगणक का कार्य कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो मकान सूची विवरणी प्रपत्र है उसे कैसे भरेंगे। कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब आप मकान विवरणी प्रपत्र जो 10 कॉलम वाला है को भरा हुआ देख रहे हैं, जिसमें 200 कॉलम आपको यहां पूर्ण रूप से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इस प्रपत्र को कैसे भरा गया है, इस प्रपत्र को भरने में अंकों का विशेष ध्यान देंगे। जैसा निर्देश दिया गया है उसी तरह से सभी अंकों को फिलअप करें। अब यहां पर जो जिला कोड है, प्रखंड, नगर निकाय आदि ये सब जो कोड है, मैंने यहाँ गोपनीयता के लिहाज से इसे अभी नहीं भरा है, क्योंकि इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए एक एक बात को यहाँ समझते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्रम संख्या। जैसा कि पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि ये लगातार होगा, आप चाहें तो 2 डिजिट में भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये होगी भवन संख्या। तो मैंने नजरी नक्शा में भी सारे भवन को दर्शा दिया है, आप वीडियो देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। यहां पर ये पहला भवन और ये मकान संख्या 3 डिजिट में, और भवन संख्या भरना है 2 डिजिट में। तो ये है मकान संख्या, जैसा कि आप शुरू से देख रहे हैं, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यहाँ 9 और 9, यहाँ 9, 9, दो भवन हो गए हैं। क्यों हुए हैं आगे प्रपत्र में समझेंगे। यहाँ मकान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी 2 हो गया है, ये इस प्रपत्र के अगले कॉलम में समझेंगे। यहां आवासीय लिखना है तो ये आवासीय मैंने लिख दिया है। इसके बाद जब हम गए हैं पहले भवन में, तो चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि गणना क्षेत्र मिला हुआ है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं नजरी नक्शा में, ये बिल्कुल एक टोला है और देहाती क्षेत्र है और दूर दूर पे घर है। तो एक भवन एक मकान, छोटा छोटा मकान है, कुछ कच्चा भी है, लेकिन अधिकांश पक्के ही हैं, किंतु अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ जनरली एक भवन एक मकान मिला है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरे में दूसरा भवन दूसरा मकान, तीसरे में तीसरा भवन तीसरा मकान, इस तरह से। तो इसमें पहले वाले में भवन में जिसमें मकान भी एक ही है, परिवार भी एक ही है, ठीक है। अब मकान की बात कर लेते हैं, तो दूसरे मकान में यहाँ परिवार एक है, तीसरे मकान में भी परिवार एक ही है, चौथा में परिवार एक ही है, पांचवा में परिवार एक ही है। ये सब हो रही है क्या, परिवारों की संख्या, न कि क्रम संख्या, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सातवां में भी एक ही है, आठ में भी एक ही है, लेकिन जैसे ही नौ में हम गए हैं, नौ में तो भवन तो 9 है, मकान भी 9 है, लेकिन इसमें 2 परिवार रहते हैं। चूंकि निकास द्वार यहाँ एक ही है, इसलिए एक ही मकान के अंतर्गत इन दोनों परिवार को रखा गया है, और ये परिवार कह भी रहे हैं कि एक ही हम लोग मकान में हैं। इन लोगों का खाना अलग अलग बनता है। तो जब यहाँ आ गया, यहाँ परिवार की संख्या देखिए, वो गोवर्धन सिंह एक मिले और एक राम ईश्वर सिंह मिले। गोवर्धन सिंह के परिवार में हमने पहले ही पूछ के लिख रखा था, क्योंकि इसे रह पे मैंने पहले तैयार किया है, 4 परिवार के सदस्य, और राम ईश्वर जो कि गोवर्धन सिंह के बेटे हैं, और एक बेटे में ये गोवर्धन सिंह रह रहे हैं, राम ईश्वर सिंह अलग रह रहे हैं, तो उनमें भी 4 ही सदस्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई परिवार के मुखिया का नाम, जो कि अपने से लिखना है, विनोद सिंह, ददन सिंह, मदन सिंह, रीमा कुंवर, अमावस सिंह, ये सभी वास्तविक नाम है मेरे गणना क्षेत्र के। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या तो गिन के लिखा गया है, 7, 4, ये सब
रियल सदस्यों की संख्या है, ये भरा हुआ है इस तरह से। अब परिवार की क्रम संख्या, तो देखिए यहां जितने भी एक परिवार वाले मकान हैं सबका 01 01 01, ये 01 ये 01। अभी भी कुछ लोगों को संशय है कि ये क्रमवार बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 01 ये 01 यहां तक। लेकिन 9 नंबर जो यहां, ये 9 नंबर है गोवर्धन सिंह वाला, जिसमें उनका एक पुत्र है जो अलग रह रहा है, शादीशुदा है और परिवार की संख्या उसकी भी 4 है, तो यहां गोवर्धन सिंह वाला 01 हुआ और उनका एक बेटा जो अलग रह रहा है उनका 02 हो गया परिवार की क्रम संख्या, ठीक है। और ये हमने दिखाया है यहां 9 1 23, आप थोड़ा सा इधर उधर फेर बदल कर सकते हैं ताकि आपके जो कार्यक्रम की अवधि है 4-5 दिन दिखाया जा सके, तो यहां पर पुनरुक्ति चिन्ह ऐसे लगा सकते हैं। तो 9 1 23 में डेट डाला है मैंने, ठीक है। और ये सब जो है परिवार के मुखिया से सिग्नेचर मैंने कराया है। यहां देखिए ये जो है यहां अजय कुमार, तो अजय कुमार जो है ना यहां पर परिवार के मुखिया का नाम है, तो यहां उनकी मां है ये, उनका वो हस्ताक्षर करना नहीं जानती है और अजय कुमार यहां नहीं थे, तो महेश्वरी कुंवर ये है उनकी मां का नाम, तो यहां पर रखा गया है। इसके बाद सारा सिग्नेचर है और यहां है प्रेमा कुंवर, तो इन्हें हमने सिग्नेचर किया है। ये सभी जो सिग्नेचर हैं यहां पर करा लिया गया है। तो इस तरह से यहां 1 से लेकर 10 तक आप प्रपत्र देख रहे हैं। आगे और एक प्रपत्र देख, तो यहां अगला प्रपत्र आप देख रहे हैं उसी तरह से, ये देखिए आवासीय यहां है, यहां भी देख रहे हैं कि ये भवन संख्या, ये क्रम संख्या पहले चल रहा है, लगातार बढ़ रहा है 20 तक, क्योंकि 10-10 का ही फॉर्मेट मिला है। तो ये हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भवन संख्या मकान संख्या, आप अगर एक भवन में 2 मकान है तो भवन का क्रम अलग बढ़ेगा, मकान का क्रम अलग बढ़ेगा। यहां देखिए परिवार संख्या, यहां 2 में 1-1 परिवार है, लेकिन जैसे ही यहां गए हैं 12 नंबर मकान में 3 परिवार है, तो 3 परिवार है तो 3 मुखिया का नाम मैंने लिख रखा है, विजय सिंह, शंभू सिंह, कपिल सिंह, ये तीनों भाई हैं, ठीक है। और इस इनमें 5 परिवार के सदस्य हैं, इनमें 6 और इनमें 2 ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब यहां देखिए, ये जिसमें एक ही परिवार है उसका तो क्रम 01, इसके पीछे वाला जो देखे हैं 10 तक, अब यहां 11 से शुरू है अर्थात लगातार है, लेकिन यहां 01 01, यहां जिसमें 3 हैं उसमें पहला परिवार 01, दूसरा 02 और तीसरा 03, ठीक है। और फिर जो यहां 1-1 परिवार की जहां संख्या है तो 01 01, यहां देखिए फिर 3 है तो 01 02 03, और यहां सभी लोगों से मैं हस्ताक्षर घूम घूम के दरवाजे पे जाके कराया है। तो यहां ये एक अंगूठा है, क्योंकि इनको सिग्नेचर करने नहीं आता है, तो अंगूठे का चिन्ह लगा के घेर के और उनका नाम यहां लिख दिया गया है, सावित्री कुंवर, उन्हीं से करा लिया गया है। तो इस तरह से प्रपत्र मैंने भरा है, मुझे आशा है कि आप लोगों को भी इसी तरह से भरना पड़ेगा। अगर कोई समस्या है या कोई शंका है तो आप निसंकोच कमेंट करें, आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो पुनः बनाया जाएगा। धन्यवाद।